नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार प्यारे भैया और बहनें, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की तरफ से ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में कक्षा षष्ठी का संस्कृत विषय का चतुर्थ पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है विद्यालय। इससे पहले हमने तीन पाठ पढ़ लिए हैं, उसका काम भी पूरा कर लिया है और वो तीनों पाठ वो शब्द परिचय के थे। पहला पाठ पुल्लिंग का, दूसरा स्त्रीलिंग का और तीसरा नपुंसकलिंग का। अब हम चौथा पाठ पढ़ रहे हैं आज, जिस चौथे पाठ का नाम है विद्यालय। तो जैसे कि ये शब्द है विद्यालय, वैसा ही हमारा पाठ है। विद्यालय शब्द हमारे सामने आते ही हमारे ध्यान में क्या आता है, जैसे कि जिस विद्यालय में हम हमारे विद्या मंदिर में पढ़ते हैं वो शब्द हमारे ध्यान में आता है। तो एक आदर्श विद्यालय कैसा होना चाहिए, एक सुंदर विद्यालय का प्रारूप क्या होता है, किस विद्यालय को हम श्रेष्ठ विद्यालय कहेंगे, किस विद्यालय को हम उत्कृष्ट विद्यालय कहेंगे, क्या क्या उन विद्यालयों के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या उन विद्यालय की विशेषता होनी चाहिए, वो सब हम इस विद्यालय के पाठ के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी अपनी इस पुस्तक को निकालिए, आपकी जो पुस्तक है रुचिरा, उसका अंदर जो ये पाठ है चतुर्थ पाठ जिसका नाम है विद्यालय, उस विद्यालय को पाठ को आप निकालेंगे और उसको हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि पाठ पढ़ना प्रारंभ करें, एषः विद्यालयः, एषः विद्यालयः, तो एष का हमने अर्थ पहले ही समझ में आ गया होगा हमको, एषः विद्यालयः। तो एष का हमने पूर्ण पाठ पढ़ा था, उनके हमारे सभी में ध्यान में आया एषः यानी यह, विद्यालय मतलब विद्या मंदिर, ये स्कूल पाठशाला विद्यालय। तो एषः विद्यालय, तो यह विद्यालय, यह जिस विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है एषः विद्यालय, यह विद्यालय। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र अत्र माने यहाँ, अत्र यहाँ, छात्राः छात्रा बालक बालिकाएं, भैया बहन उनको कहते हैं छात्राः। छात्राः जो शब्द है वो छात्र शब्द का बहुवचन का शब्द है, उसमें छात्र पुल्लिंग का बहुवचन करेंगे तो ही छात्रा ही रहेगा, और छात्रा शब्द स्त्रीलिंग का बहुवचन करेंगे तो ही छात्रा ही रहेगा। छात्र छात्रौ छात्राः, पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति और स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति छात्राः छात्रे छात्राः। तो छात्रा शब्द है वो दोनों में है, वो बहुवचन में ही आने वाला है। फिर शब्द है शिक्षकाः शिक्षिकाः, तो शिक्षकाः जो अध्यापक है उनके लिए शब्द प्रयोग हुआ है, और जो अध्यापिका है जो स्त्रीलिंग में है उनके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है शिक्षिकाः। शिक्षकाः शिक्षक अध्यापक गुरुजी, इसी प्रकार शिक्षिका अध्यापिका उनको हम कहते हैं शिक्षिका। च सन्ति, च का अर्थ होता है और, च सन्ति मतलब है। तो अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, एषः विद्यालय यह हमारा विद्यालय है, और इस विद्यालय के अंदर अनेक छात्र छात्राएं बालक बालिकाएं भैया बहन और अध्यापक आचार्य आचार्या भैया गुरुजी इत्यादि सब है। अगला अंतरा हम है, एषः संगणक यंत्र प्रयोगशालाः अस्ति, अत्र एषः संगणक यंत्र प्रयोगशालाः अस्ति। एषः 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 शब्द जो पुल्लिंग आया था उसी का ही स्त्रीलिंग शब्द है एषः। संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, संगणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर, संगणक यंत्र का अर्थ है कंप्यूटर,
प्रयोगशाला अस्ति, कंप्यूटर एक कक्ष होता है जिसको हम कंप्यूटर लैब कहते हैं, वो कंप्यूटर कक्ष होता है उसको कंप्यूटर की प्रयोगशाला कहते हैं। जिस कंप्यूटर कक्ष में, कंप्यूटर लैब में, कंप्यूटर प्रयोगशाला में भैया बहनों का कलांश लगता है, जिसके अंदर वो कंप्यूटर का अध्ययन करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, टाइपिंग करते हैं, अन्य किसी भी प्रकार के कोई भी प्रयोग करते हैं, वो होती है कंप्यूटर की प्रयोगशाला। जिस प्रकार हम कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं वो हमारा कक्षा होती है जिसको हम क्लासरूम कहते हैं, उसी प्रकार जहाँ पर कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, उसको हम संगणक यंत्र की प्रयोगशाला कहते हैं। तो ऐसा हा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, तो ये हमारी संगणक यंत्र प्रयोगशाला है। एतानि ही संगणक यंत्राणानि ही संति, और चित्र के माध्यम से जैसे कि हमने देखा है सब भैया बहन बैठे हैं और उसके सामने कंप्यूटर हैं और वही ने बैठी वहाँ पर कंप्यूटर चला रही हैं, तो एतानि ही संगणक यंत्राणि ही संति, तो ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर है। संगणक यंत्राणि मतलब ये सब कंप्यूटर है जिसको वही ने वहाँ पर चला रही है, उनका अभ्यास कर रही है, उनको सीख रही है। अब आप तीसरे अंतर में आएंगे एतत्, तो ऐसा पुल्लिंग हो गया, ऐसा स्त्रीलिंग हो गया, अब एतत् है वो नपुंसकलिंग। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, आप चित्र देखेंगे तो चित्र के अंदर आपको एक उद्यान बगीचा के रूप में आपको चित्र दर्शित होगा। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, ये हमारे विद्यालय का उद्यान मतलब बगीचा है। हर विद्यालय में एक सुंदर वाटिका होती है जिसके अंदर पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, सुंदर प्रकार के पुष्प लगे होते हैं, उसको हम विद्यालय का उद्यान कहते हैं, वाटिका कहते हैं, जिसमें कभी भी हमारा कोई मध्य अवकाश होता है, विद्यालय पहले पूर्व उसके अंदर हम जाते हैं, खेलते हैं, आनंद करते हैं, वो हमारे विद्यालय का उद्यान होता है। तो एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, ये हमारे विद्यालय का क्या है, बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि का अर्थ है फूल, अनेक फूल बहुवचन में है, अतः अनेक फूल, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, तो बगीचे के अंदर अनेकों प्रकार के फूल हैं अलग अलग, जैसे कि पुष्प अनेकों प्रकार के होते हैं, गुलाब के है, कमल के है, कनेर के है, चमेली के है, अनेकों प्रकार के पुष्प होते हैं, तो उद्यान में हमको वो पुष्प नजर आते हैं। आगे बताया है वयम अत्र क्रीडामः पटामः च, और इस वहाँ पर हम खेलते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। कहाँ पर, किसके लिए बात प्रयुक्त हो रही है, बगीचे के लिए, जो बगीचे हैं वहाँ पर हम क्रीडा में, हम सब वहाँ पर खेलते हैं और वहाँ पर हम सब पढ़ भी रहे हैं, और वहाँ बगीचे में जाते हैं तो आनंद के लिए खेलते हैं, और खेलने के बाद वहाँ पर बगीचे में पेड़ पौधों की शुद्ध हवा में और उन पुष्पों की सुगंधित वातावरण में हम बैठकर वहाँ पर अध्ययन भी करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और वहाँ पर बगीचे के अंदर वहाँ बैठकर पढ़ते भी हैं। तो आज आपका ये जो प्रथम जो पृष्ठ था, ये जो तीन अंतरे थे, उनको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, और इन तीनों को आप पढ़ने के बाद में आप इसके जो काम हैं वो ध्यानपूर्वक करेंगे। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।